अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सवेरा मुरसलीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब, गला बहुत ख़राब है, ट्रिप्स आ रही हैं, समझ नहीं आ रहे। यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट ट्रिप है। आप तुम लोग कहोगे तुम लोग मीडिया वालों के बड़े मज़े होते हैं, पूरा टाइम यूनिवर्सिटी में यही वर्ड सुनती रहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा क्या कहते हैं असाइनमेंट ट्रिप है, जिस पर हम लोगों को खुआरी के लिए ठट्ठा लेके जा रहे हैं, जो कि फ़ोटोग्राफी का है। और ये भाई साहब, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये हमारा पहला स्टॉप है, अब भंबोर का म्यूज़ियम है। देख लें भाई लोग कैसा म्यूज़ियम है। वैसे हम लोग इससे पहले भी एक दफ़ा इधर आए हुए हैं, जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आए थे। फर्स्ट सेमेस्टर में पहला था, बड़ा मज़ा आया। हर चीज़ पहली बारी में अच्छी लगती है। अब जब दोबारा आना पड़ा तो हमको मौत पड़ेगी, और मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। और ये हम लोग ठूस रहे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, खाना वैसे वापस किया था, मज़े का देते हैं, और कोई चीज़ अच्छी दे ना दें ये लोग। तबीयत तो मेरी अभी भी ठीक नहीं है, जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बाकी ये सारा म्यूज़ियम का व्यू है, देख ले। मतलब म्यूज़ियम जो अंदर से था ना, ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन आसपास जो साइड में पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे खुआरी थी। हम लोगों ने जाना गवारा नहीं था। हमने कहा हम अपना असाइनमेंट ना यहाँ से ही कम्प्लीट कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं मरीज़ थी, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया ट्रिप देख के, तो मैं आ गई। और ये पूरा म्यूज़ियम का व्यू है कि पूरा म्यूज़ियम इस तरह दिखता है। इन्होंने मतलब एक ग्लास का टेबल है, उसके अंदर पूरा प्रेजेंट किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि छोटा सा बिल्कुल एक इसका सैम्पल है। और यहाँ पे बैठ के हम अपनी फ़ोटोग्राफी की पिक्चर्स पूरी कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ रवाना हो चुके हैं। और ये इनके बाहर का व्यू है, जहाँ पर हमारे डायरेक्टर सर जमशेद अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यार इस जगह का नाम मुझे ख़ुद नहीं पता। इस जगह पे बड़े मज़े की कैब आती है, जो कि झूला देती है अच्छा सा, लेकिन हमारी किस्मत इतनी बुरी थी कि इस दफ़ा वो कैब चल नहीं रही थी, तो हम लोग पहियाँ चल के गए। और यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, मज़ार है एक, ये देख लें आप लोग, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी पिक्चर्स वगैरह भी लगी हैं। पता नहीं किस बंदे का है, लेकिन किसी बंदे का मतलब कब्रें हैं उनकी, जो इतने बंदे थे। और ये बिस्माबाजी फुल टशन में जा रही हैं। और ये देखने आगे जाके हम लोग आपको करीब से इनकी खूबसूरती दिखाएंगे, जो कि इतने खूबसूरत ना भी हो, लेकिन हम आपको यू नो फोटोग्राफर्स हैं, तो आपको प्रेजेंट ऐसे करेंगे जो घंटा इसमें फ़ोटोग्राफी दिखेगी। ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ। चले कोई नहीं, आप हमारे साथ ना पहला रास्ता इंजॉय करें। आखिरकार पहियाँ चलते चलते हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। बस थोड़ा सा रास्ता रह गया, अभी हम आपको दिखाते हैं आगे। ये देखें जूम करके, ये हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट मज़ार बने हुए हैं। ये ना कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट वाला हाल है, एक इधर है तो दूसरा उस सिर्फ में जा के आता है। कोई नहीं, आप लोग देख लें, यहाँ पे हर तरफ बच्चे तस्वीरें ही खींच रहे हैं, और खूबसूरत कब्रें। यार आपस की बात है, जो बात सच है, इनकी कब्रों पर डिज़ाइन बहुत प्यारे प्यारे थे। सिर्फ हम इनकी डिज़ाइन की तस्वीरें खींचने इतने दूर आए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब ये हमारा असाइनमेंट है, मतलब कहाँ लेके चले जाते हैं मीडिया वालों को। भाई देखें, इसमें कोई ख़ास नहीं था, लेकिन जो कि सारे अंदर जाके पिक्चर्स ले रहे थे, तो मैंने भी थोड़ी ना शोखियाँ मारने के लिए अंदर चली गई, क्योंकि हाथ में कैमरा वैमरा था। तो हम लोग भाई तस्वीरें लेने के लिए पहुँच गए, नहीं तो इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं था। बस ये था, इसकी जो दीवारें शिवारें थी वो थोड़ी अच्छी थी, और उसके अलावा कुछ भी ख़ास वास नहीं था। ये जगह अच्छी थी, यहाँ पर हर जगह पर डिफरेंट इनकी दीवारों पर, इनके स्टोन पर डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, क्योंकि वीडियो में इतने क्लियर नज़र ना आए, लेकिन हमने टेक्स्चर बहुत अच्छे लिए। यहाँ पर हमारा टेक्स्चर वाला असाइनमेंट भी कम्प्लीट हुए। और देखते हैं आप लोग यहाँ पे बैठ के हर कोई तस्वीरें ले रहे हैं। मुझे तो भूख लग रही है अपनी बहुत सख्त। कहते नहीं हैं दिल को दिल से राह होती है। मैंने खाने का नाम लिया, और उसी वक्त पर खाना खुल चुका था। ये यार रोटी खुल गई है भाई, आ जाओ खा पी लो। अब यहाँ पे सर जमशेद ना ऐसी हरकत करते हैं, जो बंदा खाना खा रहा होता है ना, उसकी इतनी गंदी तस्वीरें बनाते हैं कि वो बंदा दोबारा मूवी वाला सीन हो जाता है शादियों पे, जैसे नहीं ना मूवी वाला आ जाता है, बंदा खाना छोड़ देता है। सर जमशेद वैसी औरतों वाली हरकतें करते हैं। ओके भाई लोग, तो अब हम लोग रवाना हो चुके हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने लास्ट स्टॉप की तरफ, जो कि एक मस्जिद कह चुके हैं, शाहजहाँ मस्जिद। ये बहुत प्यारी पूरी नीली मस्जिद है, इसको जैसे तुर्की में नहीं है उसी तरह की मस्जिद का थोड़ा सा शॉर्ट सैम्पल है, लेकिन है अच्छी। ये देख सकते हैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर हर जगह पे नीला है, इवन के इसके स्विमिंग पूल की टाइल्स तक नीली हैं। यहाँ पे यार बहुत आला व्यू आ रहा था, क्योंकि ना सनसेट वाला टाइम था, और मतलब बहुत फिट किस्म की तस्वीरें भी आ रही थी।
और हर कोई आके मस्जिद में लगा हुआ है अपनी तस्वीरें खींचने के चक्करों में। यहाँ पे बैठ के मौलवी साहब अपना कुरान पढ़ रहे थे और हम लोग ऐसी बगैरतों की तरह तस्वीरें खींच रहे। थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही थी, ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन क्या करते, हमारी भी मजबूरी थी। मतलब व्यू बहुत आला था, बहुत प्यारी मस्जिद थी और इंटीरियर तो इसका बेहद खूबसूरत था। एक इसके इस साइड पर बना हुआ था और एक इसके बिल्कुल सामने की तरफ बना हुआ था। ये देखें, ऐसे आप देख सकते हैं, और इंटीरियर आप इसका देखें, बहुत ही प्यारा है। इतना क्लियर वीडियो में नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत प्यारा है। और ये देखें, मैं थोड़ी मुसलमान बन के आ गई, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा चलो मस्जिद में दुपट्टा ले लेते हैं। नहीं, अच्छी लग रही हूँ यार मैं दुपट्टे में, है ना। अब मैं क्या करूँ। चलें भाई, अब हम लोग निकल चुके हैं घरों के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, सर जमशेद ने बोला कि घर जाने से पहले आपको ना एक आखिरी दफ़ा कैफ़े जहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चाय पीने के लिए सिर्फ आए हैं। हबीब रेस्टोरेंट है शायद ये हाईवे की तरफ आता है। हम लोग इधर पहले भी आते हैं, इधर बस बैठ के हम लोग शीशे की स्नैप्स बनाते हैं जो कि बहुत आला बनती है। और कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है इस रेस्टोरेंट में, और बहुत अंधेरा हो चुका है। आधी लड़कियां बोल रही हैं सर हमको अपने घर जाना है, सर कह रहे हैं बेटा चाय शाय पियो फिर चलते हैं घर। तो बस यहाँ पे ऐसी सीन है, देखें शीशे वाले चाचा, इनकी तो हमेशा मैं स्नैप बनाती हूँ। और बस सीन्स कुछ ऐसे ही हैं, इसी के पैसे हैं। और यहाँ पे हम लोग की चाय और कॉफ़ीज़ आ चुकी हैं, जो कि मैंने चाय भी पी, कॉफ़ी भी पी, और ढेर सारी गपशप मारी अपने फोटोग्राफी के टीचर के साथ। और इसी तरह इस वीडियो का इख्तिताम होता है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कराची मेरी पैदाइश थी, कराची मेरी रिहाइश थी।